हेलो फ्रेंड्स, अन्नू मास्टर माइंड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी। आलू की कचौड़ी बेहद ही टेस्टी लगती है खाने में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, हम आलू की कचौड़ी बनाते हैं। मैंने यहाँ पर कुकर में आलू ले लिए हैं, ये 1 किलो आलू है। इनको मैंने 3 बार वाटर से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करके इनको बॉईल होने के लिए रख दूंगी गैस पर। आलू को हमने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, अब इसमें 2 से 3 सीटी आने देंगे। तीन सीटी आ गई है, गैस को कर देंगे बंद, कुकर को ठंडा होने देंगे। तब तक हम आटा गूंद लेते हैं कचौड़ी बनाने के लिए। तो हमने आटा गूंदने के लिए आटे को छान लिया है आटे वाले डोंगे में। ये 1 किलो आटा है, इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, 1 बार में नहीं डालेंगे। एक बार में डालने से आटा जो है गीला भी हो सकता है, तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए। आटे को हम ढीला ही गूंथेंगे कचौड़ी बनाने के लिए, इसको टाइट नहीं गूंथना है, वरना कचौड़ी जो है हमारी फट सकती है। तो हम आटे को ढीला ही गूंथेंगे थोड़ा सा। तो आटे को हमने गूंथ लिया है, आटा हमारा इस तरीके का होना चाहिए, इतना ढीला। अब हम इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। यहाँ हमारे आलू भी ठंडे हो गए हैं, तो अब मैं इनको निकाल लूँगी आलू छन्नी में। आलू को हमने छन्नी में निकाल लिया है, अब हम इनको छील लेंगे। आलू हमारे छिल गए हैं, अब मैं इनको मैश कर लूंगी आलू मैशर से। आलू को हमें अच्छे से मैश कर लेना है, इसमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए, अगर गुठलियां रहेंगी तो कचौड़ी जो है हमारी फट जाएगी। तो हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को हमने मैश कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल को डाल दिया है, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, 2 पिंच हींग डालेंगे, 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 1 गोल्डन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन हो गया है, भुन गया है। 5 से 6 कटी हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें मैश करा हुआ आलू डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आलू हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। नमक हम बाद में डालेंगे जब आलू का मिक्सर ठंडा हो जाएगा। अगर नमक हम अभी डाल देंगे तो आलू जो है हमारा गीला हो जाएगा। तो हम आलू का मिक्सर ठंडा होने के बाद ही इसमें नमक डालेंगे। यहाँ हमारा आलू मिक्सर ठंडा हो गया, अब इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ। इसको मिक्स कर लेंगे। आलू की कचौड़ी बनाने के लिए आलू का मसाला बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें से हम आटे को काट लेंगे, थोड़ा सा सूखे आटे में इसको लपेट लेंगे। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरीके से। अब हम इनकी बॉल बना लेंगे इस तरीके से। इसको पेड़े का शेप देंगे। इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बना लेंगे और पेड़े का शेप दे देंगे। सारे पेड़े जो हैं हमने बना लिए हैं। इसको बेलकर छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। आपको जो है पूड़ी को पतला नहीं बेलना है, ज़्यादा मोटा ही रखना है इसको। इसी तरीके से मैं सारे पेड़ों को बेल लूँगी। पेड़ों को हमने बेल लिया है पूड़ी की तरह। अब इसके अंदर आलू का मसाला भर देंगे। अब हम इसको इस तरीके से घुमा घुमा के बंद कर लेंगे। थोड़ा सा हम हाथों पर ऑयल लगा लेंगे ताकि कचौड़ी जो है हमारी चिपके नहीं हाथों पर। इस तरीके से इसको बड़ा कर लेंगे हाथों की सहायता से। इसको भी हम इसी तरीके से बंद कर लेंगे। कचौड़ियों को हमें अच्छे से बंद कर लेना है ताकि हम तेल में जब इसे सेकेंगे तो ये कचौड़ी जो है हमारी फटे नहीं। कचौड़ियों को हमने बना लिया है, अब हम इन्हें सेक लेंगे। यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई को पहले से ही रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके कचौड़ी को डालेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। गैस को हम मीडियम हाई पर रखेंगे। कचौड़ी जो है हमारी एक साइड से पक चुकी है, अब हम इसको पलट लेंगे। कचौड़ी हमारी दोनों साइड से सिक चुकी है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी कचौड़ियों को भी बनाकर सेक लेंगे। तो सारी आलू की कचौड़ी बनकर हमारी तैयार है। आलू की कचौड़ी बेहद ही टेस्टी लगती है खाने में। एक बार ज़रूर ट्राई करना आप मेरे बनाए हुए तरीके से आलू की कचौड़ी को। अगर आप मेरे बनाए हुए तरीके से आलू की कचौड़ी बनाएंगे तो खस्ता कचौड़ी भी खाना भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी लगती है आलू की कचौड़ी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।